कावे तो ऐसे ही सोती रहेगी, फिर मम्मी पापा चले जाएंगे, बाद में तू पूछती रहेगी मम्मी पापा कहाँ गए, जल्दी उठ। क्या बात कर रही है तू, काम पे जा रही है मम्मी? लगता है मम्मी पापा अकेले वेकेशन मनाने जा रहे हैं कहीं तुम लोगों को छोड़ के। मम्मी कहाँ जा रहे हो आप लोग मुझे बिना बताए? अभी ना मैं आई हूँ सुपरमार्केट, मुझे ना थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, थोड़ा ही सामान लेना है। तो चलते हैं हम लोग सुपरमार्केट के अंदर। और चीज़ें आ रहे हैं, अरे जरा धीरे चप्पल तो पहन ले। ये सुपरमार्केट में आने की खुशी है ना एकदम ही अलग है। अभी मैं ना वो अमीर बच्चों के जैसे ट्रॉली में बैठ के मैं भी है ना शॉपिंग करूंगा, बहुत मजा आने वाला है। अभी चलो अभी शॉपिंग स्टार्ट करते हैं अपन। ये तू पकड़ता नहीं, ये शॉपिंग करेगा। अरे वो मत ले उसको, अच्छा इधर बिठाना है बोल रहा है वो, अभी चिक्कू बात करना सीख गया है ना। अभी जल्दी से ना मेरा नामकरण होने वाला है ना, तो मैं बहुत एकदम खुश है। अभी है ना बहुत मजा आने वाला है, मेरा असली नाम रखने वाले है। अभी थोड़ा सा खाने के लिए भी कुछ लू क्या? चटपटा। अब तुमने तो डायरेक्ट सुपरमार्केट की शॉपिंग ही चालू कर दी, थोड़ा सा लेने आए थे। हाँ तो थोड़ा सा ही लेंगे ना पापा, कौन सा ज्यादा लेंगे। मैं ना ऑरेंज लेज एक ले लेती हूँ और एक ओरियो ले लेती हूँ, एक नहीं दो ले लेती हूँ एक्चुअली, कृष्णा भी खाएगा ना। ये दो ओरियो हो गए, और कौन सा बिस्किट लूँ मैं? यार हम थोड़ी सी शॉपिंग बोल के आए हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, इसीलिए लिमिट में रहना पड़ेगा हमको। क्या चाहिए? बलून चाहिए। पापा दो निकाल के। वो अपने को तंग करने लगेगा। चिया सीड्स भी ले लो मम्मी। मम्मी और मैं हम अभी डाइट कर रहे हैं ना, तो चिया सीड्स भी वाला पानी जो होता है ना वो पीते हैं हम। ये सोप भी ले लो। मैं कुछ नहीं ले रहा क्योंकि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। यस, आप सबको बताना भूल गई मैं, लेकिन पापा ने अभी नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, तो ये गुड न्यूज है। ले खाऊंगा, मैंने उसका प्रायश्चित भी करूंगा मैं अच्छे से, और भगवान से माफी मांगूंगा। नॉनवेज नहीं खाऊंगा बस। यस, अभी नॉनवेज नहीं खाएंगे पापा। ये देखो ये रहा माधुरी दीक्षित वाला अचार, ये हम लेंगे। यस, उसमें माधुरी दीक्षित है ना। हम लेंगे मैगी, देखो कितनी टेस्टी लग रही है ना। ऐसे मैं 3-4 पैकेट ये लेती हूँ। मैगी किसको पसंद है बताना, और यिप्पी किसको पसंद है वो भी बताना। तू ही खाता है मैगी सबसे ज्यादा। अभी इतने सारे मैगी इसमें ले लिए तो फिर मेरे डायपर कहाँ रखेंगे अभी इसमें। तो अभी हम लोग लेंगे सैनिटरी पैड, जो मैं हमेशा गर्ल्स को बोलती हूँ इसको लेने के लिए नहीं शर्माना चाहिए, लेकिन यार मुझे है ना दूसरा वाला सैनिटरी पैड चाहिए जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है मेरे को। इसमें भी चॉइस करना पड़ता है। देखो ये वाला सैनिटरी पैड हम ले रहे हैं, ये वाला है ना बहुत बार ले चुके हैं ना, इसलिए हम सोच रहे हैं ये वाला ले। ये गर्ल्स समझ सकते हो आप। ये देखो ये ले लिया है मैंने शावर जेल, और मुझे क्या लेना था, शैम्पू और कंडीशनर लेना था। ये रहा शावर जेल, और यार देखते देखते ट्रॉली भर गई। ये डब्बा पापा आपने मैनीपो को पैंट्स लिया चिकू के लिए ठीक। ये देखिए वाला लिया है मैंने पोको पैंट्स, चलेगा ये? मैंने कितने बार बोला ये मैंने पोको पैंट वालों को कि इस पे से ना वो अंग्रेज के बच्चे का फोटो हटाओ, लेकिन उन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी, ये अंग्रेज के बच्चे फोटो लगाया। और क्या लेना बाकी रह गया? फेस वॉश रह गया। हाँ फेस वॉश और शैम्पू और कंडीशनर रह गया बस। ये देखो मैंने ना फेस वॉश भी ले लिया, पॉन्ड्स का फेस वॉश। चॉकलेट और मैं ना लूँ ऐसे तो हो ही नहीं सकता, चलो चॉकलेट हाँ डालते। कौन सा लूँ? फ्रूट एंड नट वाला एक ले लेती हूँ, और एक ये न्यू वाला ले लेती हूँ। और कौन सा लूँ? और एक पैरेट ले लेती हूँ, तीन उठा लिए लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। लो ना आइसक्रीम। हाँ तो वही देख रहा हूँ ना, कोई अच्छी सी आइसक्रीम लेना। स्ट्रॉबेरी। हाँ ठीक है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली आइसक्रीम ले लो। ओरियो। हाँ ये भी ले सकते हैं, अच्छी लगती है, खाई नहीं है, खा के देखेंगे। चलो चलो, तो हमने ना सुपरमार्केट से सारी चीज़ें ले ली है, अब हम लोग चलते हैं घर पर। नहीं बोलते बोलते भी यार एक गोनी भर गई पूरी, देखो सस्ता ही है यार उतना सामान, क्या करूँ। तो आज है ना घर में किसी का बर्थडे, किसका बर्थडे वो तो मैं आपको घर जाके ही बताती हूँ। तो मैं आ गई हूँ मॉन्जिनिस केक लेने के लिए, ला दो पैसे। चलो हम आ गए केक लेने। केक चाहिए हाफ के जी। ये आलमंड्स वाला भी अच्छा है, कौन सा वाला लूँ यार अब, कितना पैसा? ये वाला कर दो आलमंड्स वाला, ये वाला अच्छा लग रहा है। यार पेस्ट्रीज देखो गाइस, ये वाली पेस्ट्री कितनी अच्छी है, ये वाली भी, ये वाली भी।
भी ले लिया, अभी हम लोग घर पर चलते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ किसका बर्थडे है। पापा ये कौन है? ये वो जो जा रहे ना ट्रैफिक के गाड़ी उठाने वाले, टू व्हीलर उठाने वाले, ये दुनिया के मोस्ट ईमानदार और मोस्ट फास्टेस्ट काम करने वाले, सरकार के लिए काम करने वाले ये लोग हैं। मोस्ट ईमानदार, मोस्ट फास्टेस्ट, मतलब नहीं क्या कि एक सेकंड में तुम्हारी गाड़ी गायब, बिजली की स्पीड से भी ज्यादा, बिजली बाद में गिरेंगे लेकिन गाड़ी पहले गायब करेंगे। ये रिश्वत नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं, गाड़ी तुम्हारी जरूर उठाएंगे। उन्होंने गाड़ी को हाथ लगा दिया और तुमने एक सेकंड बाद अगर गाड़ी को हाथ लगाया तो गाड़ी उनकी और उसको उठा के ले गए और तुमको पॉलिटिशियन से जाके तुम्हारी गाड़ी वापस लाना पड़ेगी। सुन लिया अंकल, सुनो ईमानदार अंकल कैसे बैठ के जा रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ घर पे और मैंने ना ड्रेस वगैरह भी चेंज कर लिया। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किसका बर्थडे है। ये देखो जीवा जो है, जीवा का बर्थडे है ना 3-4 दिनों के बाद में है, लेकिन है ना आज हम लोग जीवा का प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है जीवा? क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं ना तो हम बर्थडे पे जा नहीं पाएंगे। ये देखो ये रहा मेरा और एक कजिन ब्रदर, कितने क्यूट है ये सारे के सारे। बहुत मिस करेंगे हम सबको। अपने लोग घर में आते हैं 2-3 दिन खुशियां छा जाती है और फिर वो दिन आ ही जाता है जब सबको अपने घर जाना होता है। ए, 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 मामा, इसमें रोने का क्या है? ये तो संसार का नियम है। मैं तो ज्ञानी बाबा बन गया आज। चले जाएंगे बाद में तू पूछती रहेगी मम्मी पापा कहाँ गए कहाँ गए, जल्दी उठ। क्या बात कर रही है तू, कहाँ पे जा रही है मम्मी? लगता है मम्मी पापा अकेले अकेले वेकेशन मनाने जा रहे हैं कहीं तुम लोगों को छोड़ के। मम्मी कहाँ जा रहे हो आप लोग मुझे बिना बताए? ये क्या आपने तो बैग भी पैक कर दी? हम लोग बाहर जा रहे हैं, तू भी फटाफट रेडी हो जा। पर कहाँ पे जा रहे हैं मम्मी, आपने कुछ बताया भी नहीं। जा पापा से पूछ, तेरे लिए गुड न्यूज है। ठीक है मैं पापा से पूछती हूँ। पापा पापा हाँ लगाई था बालकनी में होंगे। पापा कहाँ पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अभी तुम्हारा फेवरेट काम करने के लिए। क्या? बहुत बड़ी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। शॉपिंग करने के लिए? और वो भी हम जा रहे हैं सूरत गुजरात। हम लोग सूरत जा रहे हैं शॉपिंग करने? हाँ। तो मैं भी चल रही हूँ ना? हाँ तू भी चल रही। लेकिन हम सूरत क्यों जा रहे हैं वो भी तो बताओ। सूरत इसलिए जा रहे की अभी पिछले मतलब 2.5 साल में 2-3 बार चेकू बेबी का हमने नामकरण करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण के वजह से ना मतलब वो कैंसिल होता गया। लेकिन इस बार उसका नामकरण का एकदम बढ़िया मुहूर्त निकल गया है। हाँ। तो 2.5 साल बाद मतलब उसका नामकरण होने वाला है, उसके 3rd बर्थडे से पहले। तो हमको शॉपिंग करने भी जाना है, सूरत जाना है, क्योंकि अभी वो बड़ा फंक्शन होने वाला है ना, तो बहुत सारे मेहमान आएंगे, सब लोग आएंगे, तो उनके लिए साड़ी वाड़ी ड्रेस वैसे हम जाके सूरत से हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। और वैसे भी अभी मेरी एग्जाम भी खत्म हो गई है, तो उसके बाद में प्रीलिम्स एग्जाम। हाँ प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हो गई है, बोर्ड्स आने के लिए अभी टाइम है, तो तब तक हम जाके आ जाएंगे ना। हम 2 दिन में जाके आएंगे, फटाफट रेडी हो जाओ, आप ही निकल गए हम थोड़ी देर में। हम शॉपिंग करेंगे। तो मैं आ गई हूँ नहा के और मैंने ना वही सेम कपड़े
क्योंकि यार ये स्कर्ट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, और स्पेशली ट्रैवल के लिए। तो अभी है ना मैं जल्दी से पहले खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं रेडी तो हो ही गई हूँ। देखो यहाँ पे देखो सब खाना खा रहे हैं। पापा का खाना हो गया? हाँ तू भी जल्दी खा लो। ये देखो खाने में बना है आलू की सब्जी, दाल और रोटी और चावल। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो ये आलू की सब्जी बनती है। हो गया मेरा खाना। देखो कितना सारा सामान लेके जा रही हूँ मैं नीचे, ये सब मुझे गाड़ी में रखने हैं। मैंने पिलो भी ले लिया है क्योंकि यार ज्यादा ट्रैवल है ना तो सो के जाएंगे मस्त हम। देखो हमारे साथ सूरत कौन चल रहा है, डॉक्टर तेजवाल सी। ये क्या पहन के आए हो? अरे मैं नहाई नहीं है, तेल लगाया, चंपी करके आई हूँ। नहाई नहीं? अरे 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 चीबी नहीं नहाया है। अरे चीबी नहीं नहाया। उसको छोड़ो, इतने दिनों के बाद में अभी मेरा नाम रखने वाले हैं। अभी क्या अवतार बना के आ गई मासी पता नहीं। चलो अभी गाड़ी में बैठते, चलो। ओह माय गॉड, सारा सामान हमने ना गाड़ी में रख दिया है। अभी बस है ना एक बार कृष्ण भगवान को टाटा बाय बाय बोल देते हैं, हम जा रहे हैं ना अभी। बाय बाय कृष्ण भगवान, जल्दी आएंगे हम। टाटा, चल बाय, आते हैं हम जल्दी। हाँ हाँ जल्दी आएंगे, चलो सबकी खैर नहीं फिर। बाय बाय रोमी, बाय बाय ड्रम को भी बाय बाय। आप पीछे क्यों बैठो, सामने कौन बैठने वाला है? यहाँ पे सामने मेरा जोड़ीदार आने वाला है। यस, पापा के जोड़ीदार यानी कि पापा के बेस्ट फ्रेंड आने वाले हैं सामने बैठने के लिए। तो ये है ना इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस घाट, 40 गांव का घाट है ये, देखो। व्यू आ रहा है इधर, पूरा घाट है यहाँ पे, देख रहे हो? ओ भाई साहब, ये आगे मत जा ज्यादा। अरे यार मम्मी इतना है नहीं ये सपोर्ट। कितनी मस्त हवा चल रही है ना, मस्त मजा आ रहा है यहाँ पे मैं बैठी हूँ तो। ये मम्मी देखो कहाँ जा रही थी जुमाती, कहाँ है वो, क्या कर रही हूँ वहाँ पे? तो आपको क्या करने का, नीचे जाने का, क्या कर रही है? क्यों जा रही नीचे? मेरे को बताओ ना, मेरे को भी जानना है, मेरे को बताओ। बंदर पकड़ लेंगे इसको नीचे कहीं। क्यों जाना है मासी नीचे? ऐसी घूमने हाँ। जा रही मासी, देखने जा रही क्या है नीचे। हाँ नीचे जा रही घूमने, पत्थर कितने गिनने जा रही। अरे हम जगह ढूंढ रहे थे, जगह ढूंढ रहे थे। अच्छा अभी मैं समझ गई क्यों ढूंढ रहे हैं जगह। अच्छी जगह चाहिए। चलो गर्ल्स आप लोग समझ गए, नहीं समझे तो समझ जाओ। ये इधर की साइड देखो ना, देखो तो मैं आ गई हूँ पीछे सोने के लिए। मैंने ना मस्त अरेंजमेंट कर लिया, अभी मैं सो जाऊंगी। कहीं चाय वाय पीने के लिए रुकोगे तो मेरे को उठा देना। तो अभी हम लोग रुके एक मस्त से देसी ढाबे पे खाना खाने के लिए। बहुत भूख लगी है यार, इतनी देर है ना मैं बस सो ही रही थी। अभी मैं फटाफट आगे आ जाती हूँ और फिर हम चलेंगे खाना खाने। मेरा पैर हटा दिया। वाओ ये चेयर देखो ना कितनी मस्त है, बैठो उधर से बैठो। ये देखो हमने मंगाई है ये वेज कोल्हापुरी, तंदूरी रोटी और दाल फ्राई। बहुत टेस्टी है, मस्त है। हो गया हमारा खाना, हमने एकदम पेट भर के खाना खा लिया। अभी यहाँ से आगे गाड़ी मैं चलाऊंगी। यस पापा, आप बैठ जाओ पीछे आराम से। स्टार्ट कर दे गाड़ी। यस अभी नॉन स्टॉप सूरत। यस कहीं नहीं रुकने का। हाँ अभी नॉन स्टॉप हम सूरत जाएंगे, लेकिन चाय पीने के लिए रुकेंगे। हाँ। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, आप सब लोग ने सीरियसली ले लिया, मैं नहीं चला रही गाड़ी। देखो मैं ना ब्लश लगा रही हूँ कैमरे में देख के,
क्यों गया? अभी मिरर ही नहीं है मेरे पास, लग गया क्या? देखो मम्मी कैसे पीछे बैठ के बोर हो गई है, पूरी बोर हो गई है मम्मी। और ये रही हमारी सर्जन। तो ऐसा लग रहा ऑपरेशन करके तुरंत बाहर निकल गया, कुछ गुड न्यूज देने वाले हमको। लड़का की लड़की ट्विंस। तो अभी हम लोग है ना गुजरात में इंटर कर चुके हैं, बस एक ही घंटे में हम सूरत पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचने के बाद शॉपिंग ही शॉपिंग होगी और कुछ नहीं होगा। और हाँ, मैं ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाल दूंगी कि मैं कहाँ पे रुकने वाली हूँ, आपको है ना इंस्टाग्राम पे सारी अपडेट मिल जाएगी। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो जल्दी से आ जाना और ये भी बताना कि सूरत से कौन कौन है। होटल में और सच में यार इतना ट्रैवल हो गया ना, हम सुबह कितने 9:30 बजे से गाड़ी में बैठे हुए और अभी कितने बज रहे हैं? 7:30 बज रहे शाम के, अभी पहुंचे हैं हम सूरत। चलो हम चलते हैं धूप में। चलो मैं आपको हमारी गर्ल्स की रूम दिखाती हूँ। यहाँ देखो, ये है बाथटब, बाथरूम में बाथटब भी है, मैं उस पे इसमें बैठ के नहाऊंगी। और इधर आ, इधर की साइड है वार्डरोब जिसमें मैं बैठ भी सकती हूँ। और फिर इधर चलने की बात है, पहुंच गए हैं सूरत और कल होगी बहुत जम के शॉपिंग, ढेर सारी साड़ियां लेंगे, ढेर सारे ड्रेसेस। अब देखते हैं क्या क्या शॉपिंग होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना।